दे बेस्ड ऑन क्राइम्स मेरा नाम यूसुफ है जैक्सन हाइट्स आर आर मोस्ट फेवरेट लव फ्राम इंडिया वाई पाकिस्तानी फिल्म गॉट लेफ्ट बिहाइंड वर टू मेनी टैक्सेज ऑफ फाइनेंस द रीजन बिहाइंड द लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा उसका जवाब तुम्हें हाँ देना क्या मसला है पाकिस्तानी फिल्म में <laughs> सारी <पाकिस्टानी> फिल्म में <laughs> <laughs> यार अपर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लैक ऑफ सपोर्ट इशूज़ हैं लैक ऑफ सिनेमाज आई मीन उस ये तो एक पूरा एक अलग पॉडकास्ट की कहानी है या एंड लॉर्ड ऑफ ऑबियसली बिकॉज सिनेमा इंडस्ट्री अलग से डिवेलप नहीं हुई ज़्यादातर जो लोग आए हैं वो टी वी से ही आए हैं एक्टर्स डायरेक्टर्स हम सारे टी वी से ही शुरू हुए थे बिकॉज दैट वॉज द इंडस्ट्री रनिंग राइट या uh, yeah, इतने इन्वेस्टर्स कौन इन्वेस्ट करेगा जिनको पता है कि वो बात पे पैसे नहीं मिलेंगे बिकॉज नाइन्टी नाइन परसेंट पाकिस्तानी फिल्म को रिकवरी नहीं होती है एक अजीब टेक सुनने को मिलता है मुझे एंड uh, पहले आई थिंक आई वेरी हंड्रेड परसेंट अगेंस्ट दिसकू देव अ पॉइंट कुछ लोग कहते हैं टी वी का एक एक्टर एक होता है और एक फिल्म का एक्टर होता है जिसकी वो प्रेजेंस होती है जो बड़े उस पर आती है इतना उन्हीं एक्टर्स को टी वी पर देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ओह oh, हमें तो अलग से कहाँ से आएंगे अलग से फिल्म स्टार्स mm -hmm. जब आपकी इंडस्ट्री mm -hmm. नहीं है सस्टेंड mm -hmm. वो टी से ही आएंगे सो बट यू नो हैविंग हैंग दैट देर इज़ समथिंग अबाउट अ फेस एंड द कैमरा राइट लेट्स से जॉयलैंड को देख लें mm -hmm. um, रास्ती एंड सरबत तो यू नो दे सरबत फटी कब से कर रही है बट uh, आप अलीना को देखो आप अली जुनेजो को देखो ना अली जुनेजो को कहाँ आपने को ड्रामे में पता नहीं करेगा या नहीं प्रॉबेबली नहीं, करेगा। नहीं करे बहुत अच्छा है बट इनक्रेडिबल फेसेस इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस एंड करिज्मेटिक ऑन द बिग स्क्रीन आई थिंक सारे सारे थे बट आई एम सेइंग दिस टू बिकॉज दे वर न्यू

What was her creative journey during the making of Dam drama and what's her inspiration for cinematography style? So Dam is a very special project. I think <laughs> उस वक्त जो uh, the reason वो बनी इतनी special was के एक तो कोई मुझे uh, उसपे वो नहीं था लगाम नहीं थे मुझे जो uh, production house है ना इस पर seventh का it was, was Ary <laughs> at that time uh, मैंने auditions किए <laughs> तो मुझे कोई pressure नहीं था कि इस actor को लो उस actor को लो और ये यू नो you know, सनम सईद का पहला था सीरियल ये आई थिंक अदील का या सेकंड या थर्ड था ये निम्रा बुच्चा का पहला था आ, सनम बलोच भी यू नो कुछ ही प्लेज में आई थी एक दो में बट सारे ऑडिशंस के उससे आए एंड नथिंग के इज़ ये वेल well नोन नहीं है या ये नोन है इसको ले लो एक तो ये था और दूसरा एडिटिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं था दाम मैंने खुद एडिट की न्यूयॉर्क में बैठ के टेप्स के साथ टेप्स थे मैं ले गई थी और इन्जेस्ट uh, भी किए और uh, और मुझे टोटल कंट्रोल था अबाउट म्यूजिक अबाउट पेसिंग सो इट वाज अ प्लेजर तो ये प्रोसेस आई थिंक एंड टीम इतनी अच्छी थी एक्टर्स अमेजिंग अमेजिंग लाइक क्रू एंड एक्टर्स का एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था आमना सनम सो यू नो वो एक होता है वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट आता है नाइस um, nice.

बट <laughs> मुझे वो एडवांटेज ऑफ पावर है आई नो कि बहुत सी लड़कियाँ इस फील्ड में आ रही हैं और हैं जिनको वो नहीं है और आई एम हंड्रेड परसेंट शो देर आर हरासमेंट केसेस एंड देर आर नॉट जस्ट एक्ट्रेसेस के बट मेकअप आर्टिस्ट और जूनियर स्टाफ बहुत होते हैं ये तो इट्स अ फैक्ट नॉट जस्ट पाकिस्तान में बट एवरीवे सो आई वुड से हम अभी सोच भी रहे थे कि एक मैकनिजम होना चाहिए फॉर स्पेशली फॉर हमारी इंडस्ट्री के लिए कि जहाँ वो रिपोर्ट कर सकें ये केसेस अगर हो बिकॉज बहुत दफ़ा आप मतलब अमेरिका में देखने वाइनस्टीन का इतना बड़ा केस था क्रॉस बी ऑल सारे प्रेडिटर्स जो बैठे हुए थे उधर बट यहाँ एक वो होना चाहिए कि आपको शर्म ना आए आपको डर ना लगे ये ना हो कि मुझे डायरेक्टर फिर कास्ट नहीं करेगा एक ऐसी बॉडी हो जो जेंडर यू नो सेंसिटिविटी एंड हरासमेंट केसेज एंड उनमें सारे प्रोडक्शन हाउसेज एंड चैनल्स में होना चाहिए ताकि वो सेफ स्पेस हो लोगों के पास गर्ल्स और बॉयज बॉयज मोस्टली गर्ल्स बट बॉयजो तो वो है कि आप में वो अगर एक जगह हो जहाँ आप जा सकते हो सेफली अनोनो नीड टू तो वो एक तो होनी चाहिए एंड आई थिंक लड़कियाँ शुड जस्ट ट्राई आई नो इट इज टफ नॉट टू ब्रिंग दम सेल्फ इन सिचुएशन जहाँ ये कहना आसान है अगैन आई डोंट टू जज बिकॉज आप कहाँ कहाँ से आते हो क्या क्या आपकी मजबूरियाँ हैं क्या आप इंटमिडेट हो जाते हो लोगों से और आपके ये ख्वाब होते हैं और आप सोचते हो कि यही तरीका है तो ये ट्रेनिंग ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन हाउसेज़ आर इन्वाल्व एंड वी हैव टू टेक दम टुगेदर बिकॉज हमारी काफ़ी प्रोड्यूसर्स राइटर्स वमेन तो उनको साथ लेना बहुत ज़रूरी है uh, ये तो प्रॉब्लम है आई थिंक चले जिस तरह इतने साल जब नहीं हुआ था तब इंडस्ट्री साइलेंट रही पता uh -huh. ही होगा सबको uh -huh. तो डिलीट कर रहे हैं uh -huh, uh -huh. यहाँ पे तो जब आता है तो इंडस्ट्री अक्सर हरासर के सपोर्ट में आ जाती है क्या प्रूफ है आपके पास एक चलो ड्रामा बना दो झूठी झूठे होते हैं

मर्द mm -hmm. औरतों के साथ होता है बट नाउ आई मेक जब मुझे पता चला कि इतना ही कॉमन है mm -hmm. मर्दों के साथ भी अनफॉर्चूनेटली no, 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 no. yeah, yeah, yeah. yeah, हमारे यहाँ ये है टेंडेंसी के आप शुरू में सिंपथाइज करने के बाद फौरन डाउट में डाल देते हैं जो विक्टिम है उसको ये कोई वजह होगी प्रूफ प्रूफ के पीछे हम लोग बहुत पागल हैं प्रूफ क्या है ये भी तो प्रॉब्लम है कि सोसाइटी के जो बिलीफ है अगर कोई डायरेक्टर है वो बोलता है मेरे ऑडिशन हो रहे हैं फार्म हाउस पे दो बजे अब कोई लड़की है वो गाँव से आई है नहीं। नहीं, इंडस्ट्री में तो यही होता है यार पूरी पूरी रात ऑडिशन होते हैं शूट्स होते हैं मेरी शूट चल रही है वहाँ पर बेदिया में आप उसके बाद आ जाइएगा एग्जैक्टली अब अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कुछ होता है

रिएक्शन uh, होते हैं और वो शेम में ही मरी जा रही हैं भाई शेम तुम्हारा तो नहीं ये शेम इज़ ऑन द पर्सन हु डिड इट उनको उनकी ऑनर खराब हुई है तुम्हारी नहीं हुई औरत की नहीं होती मेरी ये लेबर आपको ही करना पड़ेगा यू इट इज नीडेड बिकॉज बंद तो बहुत चुकी हैं बट नहीं बनी आई फिलड uh, एक <laughs>

बड़ा आसान हाँ हाँ होपफुली होपफली एंड होपफुली आप मोर ऑफन पीपल वॉन्ट टू सी यूल वॉन्ट टू लिसन टू यू

Different kinds of things like storyboard artists, you know, research and development team, thi, everything. There was so, yeah, you know, do you think there's a lack of specialization in the industry, which has led to a lot of films being sort of flat, sort of not as vibrant in both storytelling and visual look, um, you know, as compared to the Western world? Mm -hmm. My name is James Lipton. <laughs> Welcome to the Inside the Actor Studio. This group theater ke actor, hain, Samir, he's asked a question. Yes. <laughs> so I think that. Uh, देखो लॉर्ड ऑफ फिल्म डायरेक्टर्स जो हमारे आए हैं वो दे देवन गॉन थ्रू स्कूल राइट वो तो uh, या तो टी वी से आएँ या ख़ुद उन्होंने फिल्म बना ली है अब जो जनरेशन आ रही है इज जो अब बनाएगी विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो क्या करते हैं एंड एज आई सेड यहाँ फिल्म स्कूल हैं ही कहाँ मतलब लिटरली दे दो तीन कराची में एक दो शाह hmm. लाहौर में होंगे आई डोंट नो बट उसमें इतनी स्पेशलाइज आपको एक तो नंबर वन टीचर्स भी चाहिए राइट right? mm. वो बेसिक्स ही कवर कर लें और स्क्रीन राइटिंग एक्टिंग डायरेक्टिंग सिनेमाटोग्राफी वो बहुत होगा देन दिस इज यू नो देर आर सो एज आई सेट साउंड डिजाइन आई डोंट नो कौन पढ़ा रहा है या पढ़ा भी रहे या नहीं आई डाउट इट टू ओके बट ये इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ऑल राउंड एजुकेशन इन फिल्म फॉर शो थैंक यू सो मच आप लोगों के भी कोई सवाल है तो हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं अगली दफा मैं तो जा रही हूँ अगली सीरियस कर ले एन, एक हाँ। ना ले हम लेते हैं आपने खाया है वहीं अटलांटिक सेंटर के पास Uh, मैं नहीं हूँ वेजिटेरियन मुझे उनका बर्गर बहुत पसंद है बट रियली रियली इट रेली तो इम्पॉसिबल बर्गर आ गया ना जो मीट की तरह है टेस्ट वही है फिर भी <laughs> मुझे नफरत है गायों से मैं, मैं <laughs> <भी गाएं। laughs> <laughs> <हो> <laughs> नहीं क्लाइमेट आपको पता है कि रेड मीट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पोलूटर्स क्लाइमेट के हिसाब से तो आप अगर कम मीट खाओगे आप इन्वायरमेंट के लिए बेहतर करोगे फॉरगेट एवरी थिंग एल्स आई एग्री ऑल ऑफ़ दिस फिलोसॉफिकली एंड प्रिंसिपली आई जस्ट लाइक अ बीफ बर्गर टू मच इम्पॉसिबल बर्गर आ गया टेस्ट लाइक बीफ इट लास्ट बेहतर हो गए अब